नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की इस क्लास के अंदर। और आज बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास नंबर 1 के अंदर बात कर चुके थे, इन टॉपिक्स की बात कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वाले टॉपिक पढ़ने लाइब्रेरी साइंस के तो आप क्लास नंबर 1 देख सकते हैं। ये वाले टॉपिक पढ़ने आपको तो क्या करना, आपको क्लास नंबर 2 देख लेना, वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक आपके रिवीजन बेस्ड बनाए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए ना उनको ध्यान में रख के सारे टॉपिक करवाए गए हैं, ताकि एग्ज़ाम का टाइम जल्दी है तो आप क्या कर सको, उन सारे के सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर सको। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज बात करें सीधे सीधे क्लास नंबर 3 में चलते हैं और वहाँ से आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्लास नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन लिया हमने लिया है कि स्टैंडर्ड किस प्रकार का सूचना स्रोत है, यानी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे ISO स्टैंडर्ड हो गया, BIS स्टैंडर्ड हो गया, ये क्या होते हैं, सूचना के किस प्रकार के स्रोत हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा सूचना के ये प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन सोर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन सोर्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन सोर्स को बात करें तो इन्फॉर्मेशन सोर्स के सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होते हैं, अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री टाइप का, एक होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री टाइप का। डॉक्यूमेंट्री टाइप के तो वो होते हैं जो जैसे बुक की फॉर्म में हो गया, और जैसे मतलब एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो गया, और नॉन डॉक्यूमेंट्री टाइप वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जैसे अपन बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स को तो बांटा गया 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। और जो नॉन डॉक्यूमेंट्री होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हो गए, ह्यूमन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मास मीडिया हो गया और इंटरनेट हो गया। मास मीडिया का एग्जाम्पल की बात करें जैसे अपना TV हो गया। ये तो आपका हो गया, इसकी जनरल क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत रेयर केस में बनता है। अब जो क्वेश्चन बनेगा ना उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि SR रंगनाथन ने सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना सूचना के स्रोतों को 4 भागों में बांटा है। अब सवाल ये तो एक तो सिंपल सा ये बन जाता, दूसरा सवाल ये बनेगा कि SR रंगनाथन ने सूचना के स्रोतों को बांटा है उनके प्रकार कौन कौन से। तो याद रखना यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कन्वेंशनल टाइप में, एक नॉन कन्वेंशनल टाइप में, एक नियो कन्वेंशनल टाइप में और एक मेटा डॉक्यूमेंट में। देखो कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत, नियो कन्वेंशनल का मतलब होता है नव परंपरागत, और यहाँ पे बात करें मेटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब सवाल अगर ये सवाल नहीं बना एग्जाम में तो फिर तीसरा सवाल क्या बनेगा, तीसरा सवाल ये बनेगा यहाँ पे कि जो बुक्स और मैप है ना वो SR रंगनाथन के अनुसार सूचना का कौन सा स्रोत है। तो आपको क्या बताना है कि वो कन्वेंशनल टाइप का सूचना स्रोत है। ये तो कन्वेंशनल या परंपरागत क्यों होंगे, कि बुक्स और जो मैप होते हैं वो क्या होगा, अपन सदियों से इनका प्रयोग करते आ रहे हैं, वो अपनी परंपरा में शामिल हो चुके हैं। तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, परंपरागत सूचना के स्रोत हो गए। नॉन कन्वेंशनल या अपरंपरागत की बात करें तो वो आपका ऑडियो विजुअल जितने भी होते, जैसे अपना TV हो गया, अपना रेडियो हो गया, इस टाइप की सूचना के स्रोत होते हैं। फिर बात करते हैं न्यू कन्वेंशनल की बात करते हैं तो नव परंपरागत की बात करें तो उनके अंदर एक तो आपका स्टैंडर्ड हो जाता है, एक हो जाता है आपका पेटेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड के अंदर वापस आ जाता हूँ, ISO स्टैंडर्ड हो चाहे BSO स्टैंडर्ड हो, दोनों ही किस में आएंगे, वो सूचना के प्राथमिक स्रोतों के अंदर काउंट किए जाएंगे। अब प्राथमिक स्रोतों के अंदर काउंट किए जाएंगे और SR रंगनाथन के अनुसार बात करेंगे तो वो किस में काउंट किए जाएंगे, वो नियो कन्वेंशनल के अंदर काउंट किए जाएंगे। इसके बाद में लास्ट बचता है, वो बचता है मेटा डॉक्यूमेंट। अब जो मेटा डॉक्यूमेंट होता है ना उसके टाइप की बात करें तो हो जाएगा फोटोग्राफी। तो आपको क्या करना है, SR रंगनाथन के जो चारों टाइप है ना उनका एक एक एग्जाम्पल तो आपको रट्टी लेना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हेंसन ने सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है। तो हेंसन ने सूचना के स्रोतों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है, एक तो है प्राथमिक स्रोत और एक है द्वितीयक स्रोत। फिर बात आती है कि ग्रोगर ने सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है। तो ग्रोगर ने सूचना के स्रोतों को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये तो सीधा सीधा सवाल बनेगा कि SR रंगनाथन ने किस में बांटा है, रंगनाथन और ग्रोगर ने कितने बांटा है और हेंसन ने कितने में बांटा है। अब बात करते हैं जो ग्रोगर ने बांटा है सूचना के स्रोतों को 3 भागों में, जैसे प्राथमिक में बांटा है, सेकेंडरी में बांटा है और टर्सरी यानी तृतीयक में बांटा है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो देखो प्राथमिक स्रोत के कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हो गया, अब पहले तो याद रखना प्राथमिक स्रोत जिनके अंदर भी ओरिजिनल या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी ना वो सारे के सारे होंगे प्राथमिक स्रोत होंगे। अब एग्जांपल की बात करें तो रिसर्च रिपोर्ट हो गया, रिसर्च रिपोर्ट क्या देता है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। फिर बात करें पेटेंट या स्टैंडर्ड्स की, वो भी क्या हो गए, सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं। वैसे तो होते हैं सूचना के प्राथमिक स्रोत और रंगनाथन के अनुसार बात करें तो कौन से होंगे, वो नियो कन्वेंशनल या नव परंपरागत हो जाएंगे। फिर बात आती है पांडुलिपि, मनुस्क्रिप्ट हो गया,
हस्तलिखित नोट्स हो गए, प्रचय हो गए, सम्मेलन कार्यवाही हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी की सारी किस में आएंगी, सूचना के प्राथमिक स्रोतों में आए। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके मुझे कोई भी सूचना का प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, जो भी इस वीडियो को देख रहे ना, सब क्या करेंगे, एक एक कमेंट जरूर करेंगे। इससे क्या होगा कि अपने पास में एक लिस्ट बन जाएगी प्राथमिक स्रोत की, द्वितीयक स्रोत की और तृतीयक स्रोत की, एक अच्छी सी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो आप लोग क्या करें, बस इतना सा काम करें, एक एक एग्जाम्पल जरूर देवें। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी जो सूचना के स्रोत होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके, वो प्राइमरी सोर्स पर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं, यानी उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है, वो प्राथमिक स्रोतों से निकाली जाती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे सेकेंडरी सोर्स की, तो इंडेक्स हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, डिक्शनरी हो गया, करंट अवेयरनेस सर्विस हो गया, मोनोग्राफ्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो गई, जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं वो क्या होती है, अपनी सेकेंडरी सोर्स के अंदर आती है। इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ईयरबुक, एल्मेनेक और डायरेक्टरीज हो गई, ये आपको याद रखना है। अब बहुत सारी किताबों में क्या होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज में होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ईयरबुक, एल्मेनेक और डायरेक्टरी सूचना के तृतीयक स्रोत हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बात करें इग्नू की जो टेक्स्ट बुक है ना, उनके अंदर इसको क्या मान रखा है, इनको सेकेंडरी सोर्स मान रखा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इनको सेकेंडरी सोर्स समझ के ही याद करना है। अब बात करते हैं सूचना के तृतीयक स्रोतों की। सूचना के तृतीयक स्रोतों की बात करें तो इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं सीधे सीधे। ये क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। तो सीधी सीधी बात करें, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे गाइड टू लिटरेचर, ये हो जाएगा सूचना का तीसरा स्रोत। बिब्लियोग्राफी भी हो, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, ये हो जाएंगे सूचना के तृतीयक स्रोत, यानी इनमें जनरली क्या लगा होता है, बीच में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है अगले एग्जांपल की बात करेंगे तो डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी ऑफ, डायरेक्टरी लिस्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स की जो डायरेक्टरी होगी ना, वो सूचना के स्रोत में आएंगी, वो सूचना के तृतीयक स्रोत में काउंट की जाएगी। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, आपको करना क्या, कमेंट सेक्शन में जाना है और जो भी आपको सूचना का प्राथमिक द्वितीयक स्रोत कोई सा भी आए ना, वो आपको वहाँ पे जाके कमेंट कर देना है। तो चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको याद रखना है रंगानाथन के चार भाग हैं, हैंसन ने दो भागों में और ग्रोगन में ने बांटा इनको तीन भागों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, दो बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। सवाल है, करंट साइंस जो एक प्राइमरी पीरियोडिकल है उसकी आवृत्ति क्या है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन या फोर्थ नाइटली, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, ये करंट साइंस जो प्राइमरी पीरियोडिकल है कब शुरू हुआ था, ये 1932 में शुरू हुआ था। आवृत्ति की बात कर ले तो हो जाएगी 14 दिन या फोर्थ नाइटली हो जाएगी। इसके अलावा बात करें इसके अंदर ये इसको कौन प्रकाशित करता है, तो इसको करता है करंट साइंस एसोसिएशन, करंट साइंस एसोसिएशन विद इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, ये दोनों मिलकर किसका प्रकाशन करते हैं, करंट साइंस मैगजीन का प्रकाशन करते हैं, जिसकी आवृत्ति है फोर्थ नाइटली या 14 दिन, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, CCF का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, CCF का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सन 1984 में प्रकाशित हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे CCF के बारे में, क्योंकि CCF को थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ेंगे बस उतनी सी बात जो पहले के एग्ज़ाम में पूछी गई हो। तो देखो, बात करें यहाँ पे CCF की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो CCF की फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, यानी एक ऐसा फॉर्मेट जो कम्युनिकेशन के लिए सबके लिए कॉमन हो, कॉमनली काम में लिया जाता हो। अब बात करते हैं इसके बारे में, बात करेंगे तो इसको ब्लैक इसके द्वारा गया था, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को का एक PGI प्रोग्राम हुआ था 1978 में, उसके अंदर इसको लाने का प्रस्ताव रखा गया था। किसको लाने का, इसके अंदर कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को। देखो, जब भी दो चीज़ों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, तो क्या होता है, वो एक फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो कि क्या होना चाहिए, एक फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, CCF को लाया गया। सूचना विनिमय की बात हो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात हो, तो वहाँ पे सवाल आए ना इस टाइप का कि सूचना विनिमय हो या फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो, तो क्या करना आपको, उसके अंदर आपको CCF एग्ज़ाम इसके अंदर कर देना है। अब बात करें थोड़ा सा इसके अंदर, बात करेंगे इसके अंदर कि इसको लाया किसके द्वारा, किन किन लोगों ने तैयार किया, तो इसको तैयार किया गया था पीटर सिमंस और एलन हॉपकिंग्स के द्वारा। सवाल आ सकता है कि CCF को किसने बनाया था, तो पीटर सिमंस और एलन हॉपकिंग्स के द्वारा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री की, बात कर लेते हैं। देखो, हिस्ट्री की बात करेंगे थोड़ी सी, तो यहाँ पे याद रखना 1978 में तो इसका प्रस्ताव रखा गया था, यानी इसको लाने के ऊपर बात की गई थी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को।
फिर सन 1984 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, फिर उसके 4 साल बाद यानी 1988 में इसका सेकेंड एडिशन प्रकाशित हुआ और 1992 में इसका तीसरा एडिशन प्रकाशित हुआ। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस था ना, वो यहाँ पे 4-4 साल का डिफरेंस था और यहाँ पे डिफरेंस होगा 6 साल का डिफरेंस होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात हो गई, ये तो हो गई, सीधा सीधा सवाल बनेगा कि 1984 में कौन सा संस्करण आया, 1988 में कौन सा आया, या फिर तीसरा संस्करण कब आया, तो कर देना 1992। ये तो आपको ये याद रखना है, सीधा सीधा ये सवाल एग्जाम में आता है। इसके बाद में सवाल आता है कि ये CCF ISO का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो CCF है ना ISO का 2709 फॉलो करता है। यानी ISO का 2709 कोड है ना, वो किसके लिए दिया गया है, वो आपका CCF के लिए दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं इसके कितने भाग होते हैं, इसके खुद के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं, देखो 4 भाग की बात करें, एक तो हो जाता है इसके अंदर रिकॉर्डेबल पहला भाग, दूसरा भाग हो जाता है डायरेक्टरी, तीसरा भाग हो जाता है डेटा फील्ड, चौथा भाग हो जाता है रिकॉर्ड सेपरेटर। चौथा भाग कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्ड सेपरेटर। ये आपको चारों याद रखने हैं, यानी रिकॉर्डेबल, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर, ये चारों किसके भाग है, ये CCF या कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के भाग है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है विपो की स्थापना कब की गई, सवाल आ चुका है विपो की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1967 में, 1967 में क्या किया गया था, विपो की स्थापना की गई थी। अब देखो इसके अंदर डेट याद रखना, 14 जुलाई 1967 को किसकी स्थापना की गई थी, विपो की स्थापना की गई थी। अब थोड़ी सी विपो के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात की गई, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ोगे ना, तो आपको विपो भी पढ़ना पड़ेगा, पेटेंट भी पढ़ना पड़ेगा, कॉपीराइट भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडमार्क भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हो तो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखो बात करते हैं विपो की, बात करते हैं पहले, सबसे पहले बात किसकी करते हैं, अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो जो विपो की फुल फॉर्म है ना, वो हो जाएगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, विपो की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब विपो के कितने सदस्य हैं, 193 इसके मेंबर्स हो जाएंगे। फिर सवाल आता है एग्जाम में, वो आता है कि इसका विपो का जनरल डायरेक्टर कौन है, तो विपो का जनरल डायरेक्टर वो है, उसका नाम है फ्रांसिस गुरी, ये इसका विपो का जनरल डायरेक्टर है। देखो आपको इफ्ला भी पढ़ना है, विपो भी पढ़ना है, ILA भी पढ़ना है, RRRL पढ़ना है, सबका सब पढ़ना है, सारा का सारा सिलेबस के अंदर है। अब बात करते हैं इसके अंदर, बात करें इसके अंदर विपो के, तो विपो की जो हेडक्वार्टर की बात करें, तो विपो का हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा के अंदर। जेनेवा के अंदर किसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, विपो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और फिर अगर सवाल एग्जाम में आ जाए कि विपो का कोई पब्लिकेशन बताओ, तो विपो का पब्लिकेशन याद रखना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, और जिसकी आवृत्ति क्या है, वार्षिक है, ये क्या है, विपो का एक पब्लिकेशन का नाम है। अब देखो थोड़ी सी चीज़ों को समझो, यहाँ पे सवाल विपो से रिलेटेड सवाल कुछ बनते हैं। सवाल पूछा जाता है कि पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था, मतलब IPR पे पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था, 1883 में हुआ था। IPR के अंदर बर्न कन्वेंशन कब हुआ था, 1886 में हुआ था। फिर मैड्रिड एग्रीमेंट कब हुआ था, वो 1891 में हुआ था। फिर आता है कि बिरपे की स्थापना कब हुई, वो होती है 1893 के अंदर। और फिर 1970 के अंदर क्या हुआ था, जो ये जो बिरपे बना था वो 1893 में, ये क्या बन गया बाद में, विपो बन गया। वापस समझने की कोशिश करना, सबसे पहले हुआ था पेरिस कन्वेंशन 1883 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर, सेकेंड हुआ था बर्न कन्वेंशन 1886 में, फिर हुआ था 1891 के अंदर मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ था। फिर बात करें 1893 के अंदर, तो हो गया मैड्रिड एग्रीमेंट, 1893 में हुआ था बिरपे, बिरपे की स्थापना की गई थी। आपको बिरपे की फुल फॉर्म नहीं रटनी है, ये फ्रांसीसी वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और बात करें फिर 1970 में क्या हुआ था, जो बिरपे बना था ना, वही क्या बन गया बाद में जाके, वो बन गया, उसको विपो बना दिया गया। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये तो बन गया, इसके बाद में सवाल बनता है एग्जाम के अंदर कि विपो ने UN की सदस्यता कब ली, तो वो ली थी 1974 में। फिर बात आती है इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम कब बनाया, तो वो बनाया 1978 में। फिर बात आता है विपो एकेडमी कब बनी, वो बनी थी 1998 में। एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये तो हो गया विपो, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना, है वो है ट्रेडमार्क, यानी ट्रेडमार्क एक्ट कब बना था। तो जो ट्रेडमार्क एक्ट बना था ना, वो बना था उस सन 1999 में बना था। कब बना था, 1999 में बना था। इसके पहले क्या बना था भारत के अंदर, वो बनी थी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, वो कब बनी थी, 1940 तक। यानी 1940 से लेकर 1999 तक किससे काम चला रहे थे, वो अपन काम चला रहे थे यहाँ पे, वो चला रहे थे इसके अंदर, अपन इसके अंदर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से काम चला रहे थे। और ट्रेडमार्क एक बना था 1999 के अंदर, और ट्रेडमार्क क्या देता है, एक ब्रांड नेम को शो करता है यहाँ पे।
फिर बात करते हैं इसके ऑफिसेज की। बात करते हैं दोस्तों इसके ऑफिसेज हो जाएंगे, एक तो मुंबई हो जाएगा, एक हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा, एक हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, नई दिल्ली और चेन्नई हो जाएगा। यानी देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर ट्रेडमार्क के कुल मिलाकर इतने सारे ऑफिसेज हैं। तो ऑफिस ये इतने सारे हो गए आपके यहाँ पे ट्रेडमार्क के। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको राजस्थान से पूछे कि राजस्थान का ट्रेडमार्क का ऑफिस कौन सा है। तो आपको याद रखना राजस्थान, गुजरात और दमन दीव, इनका कौन सा ऑफिस लगता है? इनका लगता है अहमदाबाद, ये आपको याद रखना है। तो ये अपना ट्रेडमार्क को ख़त्म करते हैं। ट्रेडमार्क में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, सवाल यही बन सकता है मैक्सिमम। फिर बात करते हैं आगे वाले सवाल की। बात करते हैं तो आगे वाला सवाल है कि पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन का वर्ष क्या है? पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जो पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन का वर्ष है वो है सन 1957 में। अब जो पुस्तकालय सलाहकार समिति 1957 में बनी थी ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है इस समिति का नाम था केपी सिन्हा समिति, यानी पुस्तकालय सलाहकार समिति इसका क्या नाम था, केपी सिन्हा समिति। और इसका जो नाम क्या हो गया, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, ये इसका एक्चुअल नाम था। कब बनी थी, 1957 में बनी थी। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1959 में प्रस्तुत की। और इसने क्या किया इसके बारे में बात करें, इसने जो मुख्य मुख्य बातें क्या कही, उसने एक तो ये कहा कि हर राज्य में क्या बनना चाहिए, लाइब्रेरी एक्ट बनना चाहिए। सेकंड बात इसने ये की कि इसने एक एक्सपर्ट की टीम बनाने की बात की, जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं ना लाइब्रेरी साइंस, उनके सिलेबस को, उनके टीचिंग पैटर्न को, उनके एग्ज़ाम को क्या कर सके, पुनर्गठित कर सके। तीसरा पॉइंट जो इसने ये बताया था, उसने ये कहा था कि LIS के जो टीचर होते हैं ना, उनके सभी विभागों में क्या होना चाहिए, जो नियम और शर्तें होती हैं ना, वो समान रूप से होनी चाहिए। ये बात किसने कही थी, ये बात केपी सिन्हा समिति ने कही थी। और इस समिति ने क्या किया था, सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, ये आपको याद रख लेना। इसके अलावा एग्ज़ाम के अंदर केपी सिन्हा समिति से एक स्टेटमेंट आता है, ये स्टेटमेंट देख लें। इसने क्या कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी आर स्ट्रेजनिंग पूल ऑफ बुक्स, इसने क्या कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैग्नेटिंग पूल ऑफ बुक्स, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये केपी सिन्हा समिति ने दिया था। तो केपी सिन्हा समिति से आपको छोटी छोटी बातें बस इतनी सी याद रखनी है कि 1957 में बनाया गया था, 1959 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और हर राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाने की इसने बात की थी। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है, और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि इसने एक स्टेटमेंट दिया था, पब्लिक लाइब्रेरी आर स्टैग्नेटिंग पूल ऑफ बुक्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आज के सेशन को अपन ख़त्म करने से पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख रहा हूँ जो आपको कमेंट करके आंसर करके बताने हैं। एक तो बताना कि DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन सा कोर्स प्रदान किया जाता है। दूसरा रख रहा हूँ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दो क्वेश्चन रख रहा हूँ, पहला तो रख रहा हूँ कि DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस पे कौन सा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और सेकंड रख रहा हूँ CRL जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो INB का प्रकाशन करती है और इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन करनी है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये तो आज का सेशन कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।